Assalamu alaikum everyone, I'm Sundus and you are watching Stories by Mom. आज आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं स्टेपल्स, यहाँ की बहुत ही फेमस स्टेशनरी मॉल, मॉल बोले या शॉप बोले या बहुत बड़ी जाइन दुकान. तो बचपन में हम लोग को बहुत शौक होता था, जब स्टेशनरी की शॉप पे जाते थे तो बिल्कुल बेकाबू हो जाते थे, नहीं भी ज़रूरत होती थी तो चीज़ें लेते थे. तो जो बचपन की जो वो हैबिट जो डेवलप हुई हुई थी वो आज तक कायम है. जब कभी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, तो होता है कि कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें, पेन ले लें, पेंट्स ले लें, और ख़ासकर जब कलर्स और क्रेयॉन्स देखते हैं तो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाते हैं. तो यहाँ पे स्टेपल्स पे मेरे हस्बैंड ने कलर प्रिंटर ऑर्डर किया था बच्चों के लिए, क्योंकि अब हम होम स्कूल कर रहे हैं तो हमें इस तरह की सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है. घर में रहते हुए बच्चों को आपको पढ़ाना होता है, डिफरेंट आपको प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, तो यू शुड हैव अ कलर प्रिंट आउट. मतलब ये एक बहुत ही मस्ट घर में नेसेसरी ऑप्शन है, मतलब ये बहुत ही ज़रूरी मतलब एक चीज़ है होम स्कूलिंग के लिए, आपके पास होना चाहिए प्रिंटर. तो यहाँ पर बस हमने प्रिंटर ऑर्डर किया था, हमें कर्ब साइड पिकअप हमारा था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ कि मैं अंदर जाती हूँ और थोड़ा सा घूम कर आते हैं. तो मैं सिर्फ घूमने गई हूँ, मैंने ख़रीदा यहाँ से ऐसा सच कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने प्रिंटर लिया था. प्रिंटर इतना एक्सपेंसिव था तो मेरा मूड नहीं था मज़ीद खर्चा करने का, तो मैं यहाँ सिर्फ मज़े कर रही हूँ, कलरफुल चीज़ों को देख रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ. आप भी मेरे साथ देखिए, मतलब मैंने एटलीस्ट पाकिस्तान में इतने कलरफुल पेपर क्लिप्स और पेपर पिंस ये मैंने वहाँ तक ही देखी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी ये सारी चीज़ें. दिल चाह रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन फिर जब घर आ जाती चीज़ों पर कदर नहीं रहती. ये हमारी नेल्स हैं, ये दीवार में लगाने वाली कीलें हैं यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी की वॉल्स होती हैं तो ईज़िली मतलब दीवार में कील लग जाती है, आप अगर फ्रेम लगाना हो या वॉल क्लॉक लगानी हो. तो मैंने ये ले ली, लेकिन बाद में मैंने ये जो हमारा नील का जो डब्बा था मैंने बाद में निकाल दिया कि छोड़ो इसकी भी क्या ज़रूरत है, नहीं लेती, क्योंकि मुझे था कि नहीं यार मैंने प्रिंटर बहुत महंगा ले लिया, मुझे अभी फ़िलहाल मज़ीद खर्चा नहीं करना. तो मैं सिर्फ यहाँ देख रही हूँ मार्कर्स, आप चेक करें कितने ज़बरदस्त कलरफुल मार्कर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, हर किस्म के बोर्ड मार्कर्स हैं. ज़्यादातर हमने बचपन में ब्लैक बोर्ड मार्कर देखा था या रेड देखते थे, तो यहाँ पर तो भाई सारे कलर्स के बोर्ड मार्कर मिलते हैं. ये पेंट्स हैं, प्लेडो रखी हुई है यहाँ पे, मेरे पास प्लेडो ऑलरेडी बहुत थी घर में तो मैंने नहीं ली, वरना मैं प्लेडो यूजुअली रखती हूँ घर में. ये क्रेयोला के क्रेयॉन्स हैं, एक ज़माने में इनका मुझे क्रेज़ होता था जब मैं पेंटिंग करती थी, अभी भी करती हूँ लेकिन टाइम क्योंकि इतना नहीं मिलता अब, लेकिन ये कि अब बच्चों के लिए बहुत अच्छा. सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि क्रेयॉन्स खुले रखे हुए थे, कि अगर आपको टेस्ट करने या आपको डायरेक्ट ख़रीदने भी हैं तो आप काउंट कर लें और ले लें. ये कितना मज़े का मतलब एक चीज़ थी. ये देखें फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं बच्चों के लिए लर्निंग के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रिसोर्स है. हर तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं, जो भी अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जिस किस्म का टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उसके फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं. ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि सर्टिफिकेट्स के पेपर यहाँ रखे हुए थे, लोग स्कूल और जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ से उठाते होंगे स्टेपल्स से. यहाँ से मतलब बेस्ट शॉपिंग वो लोग करें जो स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह के जो अथॉरिटीज़ होती हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से शॉप करती होंगी, क्योंकि बहुत यानी कि पाइल में आपको यहाँ सामान मिलता है बहुत ज़्यादा. और ये डायरी मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो इसको खोल के देखती हूँ. मतलब अंदर का एक बच्चा होता है ना वो जाग जाता है स्टेशनरी की दुकान पे जाके. बस ज़्यादा कोई हमारी लंबी आज की ब्लॉग नहीं होगी, मैंने सिर्फ यहाँ पे अच्छे से घूमा, वीडियोज़ बनाई, मज़ा किया और खुशी खुशी अपना प्रिंटर लिया और थोड़ा लैपटॉप यहाँ रखे हुए थे उस पर मैंने टटक कीबोर्ड पर हाथ चलाया, मज़ा आया और अपना प्रिंटर लिया, अल्लाह शुक्र किया और बाहर निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह का सीनर. आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम.